आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके सात बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम ले। उनकी बहन बोली, भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और कहा कि बहन तेरा चांद निकल गया। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दे। तब भाभियां बोली, बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तब उसने अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में ससुराल से बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और आशीर्वाद लेती जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सात भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का सुख नहीं आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी तो उसके उसने पैर छुए। ननद ने कहा, सीली सुपुत्री हो, सात पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोल कर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस पर मंगसिर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगना करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वह तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादव की, सारी चौथ माता यही जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वह तेरा सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ आई, कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगना करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है? तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, अब तुम्हें ही मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छीटा दे देते हुए उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि तुम काहे को सोए, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया, दोनों पति 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 पत्नी जीम कर दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वो दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई? तब बहू बोली, मेरे चौथ माता आई है। और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया, सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ, सबको ही करना। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना।
मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। बोल जोत माता की जय।